जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस ट्रेनिंग सेंटर में इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट के पैराट्रूपर्स और पैरा स्पेशल फोर्सेस को ट्रेंड किया जाता है। लेकिन पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल की कहानी कुछ अलग है। समय है अक्टूबर 1941। उस समय 50th पैराशूट ब्रिगेड का स्थापना हुआ था दिल्ली में, और उसी के साथ एयर लैंडिंग स्कूल के तौर पे स्थापना किया गया था पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल की। उस वक्त पर यह स्कूल वेलिंगटन एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में हुआ करता था। लेफ्टिनेंट ए जी रंगराज और मेजर मथुरा सिंह 152 पैराशूट बटालियन के वो पहले फौजी बने जो पैरा जंप्स को पहली बार क्वालिफाइड किया। पैराशूट ट्रेनिंग में इन दोनों का नाम भारतीय सेना में सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद सन 1942 को पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल को दिल्ली से चकलाला में मूव किया गया। ये वो लोकेशन था जो अभी के पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के समय यानी कि देश भाग के समय पे पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल को मूव किया गया आगरा में, और उसी समय से इंडियन रेजिमेंट के स्पेशल फोर्स पैराट्रूपर्स और इंडियन एयरफोर्स के कई सारे जाबाज सिपाही को यहां पर ट्रेंड किया जाता है। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल का मेन मोटिव है एक सोल्जर को एयरबॉर्न यूनिट का हिस्सा बनाना, और एक सोल्जर एयरबॉर्न यूनिट का हिस्सा तब बन सकता है जब उसे एयर जंप करना आता हो, पैराशूट को हैंडल करना आता हो। इसीलिए पीटीएस में पैराशूट ट्रेनिंग, साथ में पैराशूट को कैसे सेट किया जाए, कैसे उसे हैंडल किया जाए, कहीं से भी जंप लगाकर कैसे पैराशूट को डायरेक्शन दिया जाए यानी कि पैराशूट को किस दिशा में आगे लेकर के जाना है, उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। साथ में 35,000 फुट ऊपर से जंप लगाने के बाद कौन से दिशा में जाना है इसको डिसाइड करने से पहले नेविगेट करना होता है, कहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है इसका डिसीजन सबसे पहले लेना पड़ता है। तो इसीलिए हवा में पैराशूट में उड़ते हुए ही सोल्जर को नेविगेट करना होता है। उसके बाद पैराशूट में उड़ते हुए कैसे शूट करना है, कैसे फायरिंग करनी है, कैसे दुश्मनों के टेरिटरी को एंगेज करना है, कैसे दुश्मन के टेरिटरी में घुसना है, साथ में हाहो और हालो जंप, हाहो यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग और हालो यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग, ये दोनों ही पैराशूट जंप के अलग अलग टेक्निक्स है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आपको देखकर बहुत मजा आएगा। इन सारे ट्रेनिंग्स को पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में दिया जाता है। अगर आप कभी भी दिल्ली या फिर आगरा में घूमने के लिए जाते हैं या फिर आगरा के फेमस ताजमहल देखने के लिए जाते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि एक बार पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल में भी जाकर के देखिए। हालांकि आम इंसान के लिए उसके अंदर जाना और फोटोग्राफी करना प्रोहिबिटेड है, लेकिन फिर भी आप उस ट्रेनिंग सेंटर को बाहर से देखकर ये जरूर पता लगा सकते हैं कि ये वो जगह है जहां से हमारे भारतीय सेना के सिपाही बनते हैं, वो वीर निडर जाबाज बनते हैं जो जमीन हवा और पानी तीनों ही तरह से हमको सुरक्षित करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने से दो बार नहीं सोचते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंडियन डिफेंस रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए एन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एन डिफेंस यूट्यूब चैनल में आपको इंडियन डिफेंस रिलेटेड सारी चीजें आसान भाषा में समझने को मिलता है, और भारतीय होने के नाते हम सबका ये कर्तव्य है कि हम भारतीय सेना, भारतीय डिफेंस के बारे में जाने। जय हिंद, जय भारत।